कैसे हो आप लोग? हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आज हम बनाने वाले हैं पोर्क, और आज का रेसिपी देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा, कीप वॉचिंग। और इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं सरसों का पत्ता, जिसे हम अपने लैंग्वेज में हंगाम बोलते हैं। आप देख सकते हो, ये रहा हमारा फ्रेश हंगाम। Now you can see the pork ready to fry। और ये गया हमारा ऑनियन फ्राई होने के लिए, थोड़ा टाइम इसको फ्राई करेंगे हम। इसके बाद हम ऐड करेंगे आलू, आलू के साथ दो किंग चिली, और थोड़ा टाइम के लिए उसको अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा टाइम फ्राई हो जाने के बाद, थोड़ा मिक्स हो जाने के बाद, नाउ दिस इज द टाइम टू ऐड आवर पोर्क। और ये रहा हमारा पोर्क, उसको भी उसके साथ अभी फ्राई करते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। कुछ देर साथ में फ्राई करने के बाद आप देख सकते हो कलर चेंज हो जाएगा, और हम उसे थोड़ी देर के लिए अच्छा से ढक के रख देंगे। और अब देख सकते हो कितना ऑयल निकल के आ रहा है, ये ऑयल है उसका। इट लुक्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो हम इसमें ऐड करने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करने के बाद उसको थोड़ा मिक्स करेंगे अच्छे से, और फिर ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ देख सकते हो हमारा मास्टर शेफ, जिसने अभी थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड किए हैं एज पर योर टेस्ट। इसके बाद थोड़ा मिर्ची पाउडर और थोड़ा जीरा, ये तीनों ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा धीमी आंच में हाथ चलाते रहेंगे, और हाथ चलाते रहेंगे, हाथ चलाते रहेंगे। और आप देख सकते हो ये कलर कितना अच्छा कलर खिल के आ रहा है। और फिर से थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक के रख देंगे। ये रहा हमारा मास्टर शेफ का कुकिंग का एक झलक, आप देख सकते हो हमारा मास्टर शेफ कुक कर रहा है अभी। और आप देख सकते हो पोर्क का कलर पूरा चेंज हो चुका है, इतना अच्छा दिख रहा है अभी। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, एंड इट्स लुकिंग टू गुड, रियल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रखने वाले हैं। होप आपको भी ये कुकिंग अच्छा लग रहा है, ये रेसिपी इंफॉर्मेटिव लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब एंड एक कॉमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। नाउ वी गोना ऐड टमाटर। टमाटर डालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे। ढक के जब खुलोगे अलग ही दिखेगा आपको, बहुत ही अच्छा दिखेगा। फिर हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर नमक, एज पर योर टेस्ट कितना आप खाओगे। फिर उसको हम साथ में उबलने देंगे कुछ देर के लिए। ऐसे ही थोड़ी देर उबलने के बाद जो हमारा किंग चिली था, जिसको हमने ऐड किए थे फ्राई टाइम में, उसको निकाल के अच्छा से ग्रीन कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे इसके अंदर ही, और अच्छा से ग्राइंड करने के बाद इसका ऊपर हम डालने वाले हैं हमारा सरसों का पत्ता का कवर। देखो, अच्छा से कवर कर देंगे सरसों का पत्ते से, अच्छे से ढक देंगे
उसके ऊपर हम ढक के थोड़ा देर अंदर ही अंदर उसको बॉईल करने देंगे। ऐसे ही थोड़ी देर ढक के रखने के बाद जब हम खोलेंगे, आप देख सकते हो इट विल बी लुकिंग वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस। और आप देख सकते हो ये हमारा जो हंगाम का पत्ता है अच्छे से स्टीम हो गया है, पक गया है, खाने लायक बन चुका है। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में। और कितना अच्छा सा कलर खिल के आ रहा है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया यार, इट लुक्स अमेजिंग। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़े से अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसके ऊपर और फिर मिक्स करेंगे इसको। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देखने के लिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे कुकिंग वीडियोस देखने के लिए आप भी एक लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और ये डाले हमने थोड़े से गरम मसाले उसके ऊपर, अच्छे से मिक्स किए हैं और थोड़ी देर के लिए इसे ही उबालते रहने देंगे उसको। अच्छे से जब उबल जाएगा थोड़ा टाइम के लिए फिर से ढक के रख देंगे इसको, ताकि जो पोर्क है हमारा और थोड़ा स्मूथ हो जाए और थोड़ा नरम हो जाए। और आप देख सकते हो हमने बहुत ही कम मसाले यूज़ किए हैं इसमें, जस्ट टू कीप आवर फूड हेल्दी। आप भी अगर बनाओगे तो जितना हो सके कम से कम मसाले यूज़ करने का कोशिश कीजिएगा। हेल्दी खाना खाइए, कम मसाले खाइए, कम ऑयल खाइए। तो फाइनली कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो गया है। हम उसको धनिया फेंक के मारेंगे, अच्छे से फेंक के मारेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेंगे। और अच्छे से फेंक के मारने के बाद थोड़ा टाइम के लिए उसको हम फिर से ढक के रख देंगे, लेकिन गैस को बंद कर देंगे। थोड़ा टाइम ढक के रखने के बाद जब ओपन करेंगे तब आप देख सकते हो हमारा फाइनल प्रोडक्ट, हमारा फाइनल कुकिंग कैसे निखर के आ रहा है। ये रहा आज का हमारा पोर्क और हंगाम थोंगबर रेडी। तो इसे हम राइस के साथ खाने वाले हैं। और एक चीज़ हम नोटिस वाले इसे बहुत चाव से खाते हैं, और हमारा पहला पसंदीदा मीट होता है पोर्क नोटिस का। और आप एक बार खा के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। और मेरा ये रेसिपी एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको ये कुकिंग अच्छा लगा, अगर आपको ये मेरा रेसिपी इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा तो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप भी ये रेसिपी एक बार ट्राई करिए, एक बार बनाइए, खाइए, फिर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।